बात समझनी है, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रेमिनिकल सोशल ऑर्डर है वो सोशल ऑर्डर के तहत हम लोगों को शेड्यूल कास्ट की 1703 जाति के टुकड़ों में बांटा गया है। आदिवासियों को 801 टुकड़ों में बांटा गया है और जो पिछड़ा वर्ग है उसको 3743 जातियों के टुकड़ों में बांटा गया है। तो ये तीनों को मिलाकर 6247 जातियों के टुकड़ों में कुल निवासी बहुजन समाज के लोगों को बांटा गया है। तो हम लोग जो है वो बटे हुए लोग नहीं है, हम लोग बांटे हुए लोग। पहले तो जो स्टूडेंट है, यूथ है, बेरोजगार है, जो SC ST OBC के हैं, उनको ये तथ्य समझ में आना चाहिए पहले नंबर, क्योंकि हम लोग इस देश में बदलाव चाहते, हम इस देश में परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। तो परिवर्तन की चाहत रखने वाले जो लोग हैं उन लोगों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हमारे लोगों को भी 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा गया है। पहले नंबर पर ये बात समझ, अगर आप इस बात को नहीं समझते हैं तो जो आपको करना है, जो काम करना है, वो काम आप कर नहीं पाओगे। पहले नंबर की बात है, जो वॉलंटियर्स लोग हैं, तो जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को बैठने के लिए जगह का प्रबंध करो ताकि वो लोग शांति से बैठ सके। साथियों, तो मैं आपको पहले नंबर का जो विद्यार्थी है, युवा है, बेरोजगार है, उसको सबसे अहम बात क्या जानना है कि हम लोगों को रेमिनिकल सोशल ऑर्डर के तहत 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा गया है। तो पहले ये बात समझ लो, आपको मान लो ये बात समझ में नहीं आती है, आप कुछ भी नहीं कर पा सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको क्या करना होगा भविष्य में यही समझ में नहीं आएगा। पहले तो काम जो है, पहला काम पहले करना होता है, पहला काम दूसरे नंबर पर करना नहीं होता है, पहला काम पहले करना पड़ता है। अगर हम पहला काम दूसरे नंबर पर करें तो हम लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। अभी हमारे मेरे पहले एक साथी ने बात कही, आप लोगों का ये BMP नहीं है, ऐसा एक अभी अभी बोल कर गया एक साथी। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के 131 मेंबर पार्लियामेंट है, शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल ट्राइब के 131 मेंबर पार्लियामेंट है। बैकवर्ड क्लास का प्रधानमंत्री देश का है,
क्या होगा? तो है मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के 131 है, बैकवर्ड क्लास के भी बहुत है, उसका प्रधानमंत्री भी है। जिनके पास संगठन शक्ति है वो प्रधानमंत्री को नियंत्रित कर रहे हैं। आरएसएस के लोगों के पास में पावर है? नहीं। क्या है? संगठन शक्ति है। आरएसएस वालों के पास क्या है? संगठन शक्ति है। वो प्रधानमंत्री को नियंत्रित कर रहे हैं। तो तुम सोचते हो कि तुम्हारा एमपी नहीं है, तो एमपी के उल्टा करो पीएम। पीएम है, क्या कर रहा है? उसको पूछो कि भारत में कितने गधे हैं, उसको मालूम है। पालतू जानवर कितने हैं, नरेंद्र मोदी को मालूम है। फिर जंगल में कितने जानवर है, वो भी मालूम है। उसको पूछो ओबीसी कितने हैं, ये मालूम। तो आप तो ओबीसी के ना प्रधानमंत्री है, मगर वो हमारे आदमी को चिंता है कि हमारा एमपी नहीं, अरे पीएम है भाई। क्या नहीं है? पीएम तो है, फिर क्या नहीं है? संगठन शक्ति नहीं है। संगठन शक्ति आरएसएस के पास है तो वो पीएम को कंट्रोल कर रहे हैं, और पीएम को ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने के लिए मना कर रहे हैं, वो पीएम बोल तक नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि उन लोगों ने हजारों सालों से हमारे लोगों 6,247 जाति के टुकड़ों में बांटा है, और हमारी संगठित शक्ति नहीं है। तो हम इस देश में जो भी बदलाव करना चाहते हैं या जो परिवर्तन चाहते हैं, वो ये जो समाज है 6,247 जाति के टुकड़ों में बांटा हुआ, हम बटे हुए लोग नहीं है, बांटे हुए लोग हैं। एक तक समझ में नहीं आता हमारे लोगों को, बटे हुए होना और बांटे हुए होना, ये दो चीज का भी फर्क समझ में नहीं आता। किसको समझ में नहीं आता? मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारे अनपढ़ गवारों को समझ में नहीं आता, ये नहीं कह रहा हूं, पढ़े लिखे को समझ में नहीं आता। कह रहा हूं मैं, ये सारे देश भर में यही कह रहा हूं, वो लगातार कह रहा हूं, कई बार कह रहा हूं। तो हम लोगों को यह समझना जरूरी है कि हम लोग बांटे हुए लोग हैं। तो कुछ लोगों ने बांटने का काम किया हुआ है, तो उसको आइडेंटिफाई करने तक का काम नहीं कर पाते ठीक से, और जो आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में उलझुल बातें करते रहते हैं, बकवास बातें करते रहते हैं। तो इसलिए कन्विक्शन कुछ होता है। कन्विक्शन का क्या मतलब है? दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए हमारे अंदर। कुछ काम करने का जो लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं उस पर हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हाँ, ये करेंगे। तो फिर आप कुछ बदलाव करने लायक हो सकते हैं, परिवर्तन करने लायक हो सकते हैं। तो पहले तो हमें 6,247 जाति के टुकड़ों में बांटा गया है, इन लोगों को जगाना होगा। तो क्या जगाने के बारे में हमारे पास कोई समझ है?
इन लोगों को जगाना होगा। तो जगाने की कोई समझ है? नहीं है तो क्या कर लेंगे? तो जगाना होगा, और वही लोग जगा सकते हैं जिसके पास इसकी समझ होगी। दो, जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा। पहले तो जगाना होगा, और जो जगे हुए हैं उसको जोड़ना होगा। 6,247 जाति के टुकड़ों में जो बांटे हुए लोग हैं उसको जोड़ने का काम छोटा मोटा है। यही तो सबसे बड़ा टास्क है, यही तो सबसे बड़ी कठिनाई है, यही तो समस्या है। ये तो हम कर नहीं पा रहे हैं। जब हम ये कर नहीं पाते हैं तो फिर हमें जो कामयाबी हासिल करनी है वो नहीं। तो जगाना होगा, फिर जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा, और जोड़े हुए लोगों को संगठित शक्ति में रूपांतरित करना होगा। ये तीसरा काम है। हर काम के लिए अलग सोचना पड़ता है। जगाना है अलग सोचना पड़ेगा, जोड़ना है अलग सोचना पड़ेगा, जोड़े हुए लोगों को संगठित शक्ति में रूपांतरित करना है अलग सोचना पड़ेगा, और संगठित शक्ति का परिवर्तन करने के लिए उपयोग और प्रयोग करना अलग सोचना पड़ता है। हर एक को अलग अलग सोचना पड़ता है, हर एक की आपके पास गहरी जानकारी सूझबूझ चाहिए। ये हमारी समस्या है कि हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है। हम लोग ज्ञान की बात करना छोड़ दे, जानकारी कर ले पहले। हमें ये तक समझ में नहीं आता कि जानकारी और ज्ञान में फर्क होता है। ये तक हमें समझ में नहीं आता कि इसमें बहुत मौलिक अंतर है, इसमें बहुत मौलिक फर्क है, ये जानकारी और ज्ञान। बहुतांश लोग जानकारी को ही ज्ञान मान लेते, बहुतांश जानकारी को ही ज्ञान मान लेते। जानकारी ज्ञान नहीं है, केवल डाटा है। जानकारी केवल डाटा है। जानकारी का उपयोग और प्रयोग उद्देश्य पूर्ति के लिए करने का हुनर ज्ञान है। जानकारी का उद्देश्य पूर्ति के लिए उपयोग और प्रयोग करने का हुनर ज्ञान है। मालूम ही नहीं है। जब आपको मालूम ही नहीं है तो फिर आपके आपको आपको जब मालूम नहीं है तो आप कर क्या करो, कर क्या दे। तो इसलिए हमारी संगठित शक्ति निर्माण होती नहीं है। तो कुछ मौलिक बातें हैं जिसके बारे में हमारी जानकारी सही नहीं है, इस वजह से हम लोग ठोस काम कर नहीं पाते। तो हमें जो भी बदलाव देश में चाहिए, जो भी परिवर्तन देश में चाहिए, तो ये हम लोगों को समझदारी अपने अंदर विकसित करनी होगी, तब जाकर के हम कुछ परिवर्तन करने लायक हो सकते हैं। तो इस अधिवेशन में मैं ऐसा मानता हूं कि आपको इसके बारे में कुछ समझदारी जागृत करनी चाहिए। तो विद्यार्थी, युवा और बेरोजगार लोग, जीवन में जब से जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी जानकारी और ज्ञान बढ़ेगा, तो आप लोग बड़ा काम करने लायक हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। केवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन से
आप ये लक्ष्य परिवर्तन का साध्य करने के लिए सक्षम नहीं हो सकते। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे विद्यार्थी युवा बेरोजगार लोगों को देश में जो राजनीतिक सत्ता है ये सुपर स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। जो पॉलिटिकल पावर है ये सुपर स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर जैसे होगा वैसा सुपर स्ट्रक्चर होगा। बेसिक स्ट्रक्चर अगर वर्ण व्यवस्था को आधार बनाकर बना हुआ है, जाति व्यवस्था को आधार बनाकर बना हुआ है, अस्पृश्यता को आधार बनाकर बना हुआ है, आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया हुआ है, महिलाओं को दास बनाया हुआ है, शूद्रत्व को पिछड़े वर्ग पर थोपा गया है, अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर है तो इसी बेसिक स्ट्रक्चर पर आधारित पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डेवलप होगा। ये हमको समझना होगा। तो जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की हमको एमएलए होना चाहिए, एमपी होना चाहिए, अरे इससे होना चाहिए, उससे क्या होने वाला है? वो तो बहुत सारे सैकड़ों में है। क्या तीर मार लिया, क्या तीर मारता है? तो कुछ करने लायक बोलने तक जो जो ब्राह्मणों की पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, वहां बोलने तक की औकात नहीं है। करने धरने की जोड़ो, बोलने तक की औकात नहीं है। वहां अपनी बात तक नहीं कर सकता। तो हमें ये समझना होगा कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इस बेसिक स्ट्रक्चर में हम लोगों को हस्तक्षेप करना होगा और हस्तक्षेप करने की हमारे पास रणनीति होनी चाहिए। हमारे पास इसकी तो कोई रणनीति है नहीं। तो जब हमारे पास रणनीति होगी तब हम लड़ेंगे। एक जाति के लोगों को अगर हमारा दुश्मन दूसरे जाति से, जो प्रताड़ित जातियां है, वंचित जातियां है, जो विक्टिम्स ऑफ द सोशल सिस्टम वाली जातियां है, वो ज्यादातर जातियां तो आपस में लड़ रही है, झगड़ रही है। अगर हमारे पास ये लड़ने वाली झगड़ने वाली जातियां है, अगर उनका संगठन बनाने की सोच है होनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर कोई परिवर्तन संभव नहीं है, तो इसलिए हमको उन झगड़ने वाली लड़ने वाली आपस में उन लोगों को कैसे जोड़ा जा सकता है, कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, तो ऐसा करने वाले लोगों के मन मस्तिष्क में इस समझदारी होनी चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तब जाकर हम 6,247 जाति के जो टुकड़े हैं उन लोगों को जोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। जोड़ना परिवर्तन करने के लिए सबसे पहली पूर्व शर्त है। आप जो भी बदलाव चाहते हैं वो शक्ति से होगा, ताकत से होगा। शक्ति और ताकत की वजह से रोक के रखा हुआ है परिवर्तन। तो आपके पास इसको काउंटर करने की शक्ति चाहिए। अगर आपके पास इसको काउंटर करने की शक्ति नहीं है तो आप और हमारे समाज के लोग ज्यादातर शक्ति वालों के सामने सरेंडर करते हैं। आपके पास शक्ति होगी तो आपके लोग आपके पास आएंगे, और इसके लिए आपको संगठित शक्ति के निर्माण पर ज्यादा जोर देना चाहिए।
मैं 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी, अभी मेरी 66 साल की उम्र है। 48 साल का लंबा समय संगठित शक्ति निर्माण करने के काम पर मैंने सारी जिंदगी कमा दी, बगैर सोचे समझे नहीं किया, ये सारी जिंदगी कमा दी। तो 4.5 लाख लोगों का मोर्चा आरएसएस के हेडक्वार्टर पर निकल, हमारे समाज का एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का कोई संगठन ऐसा सोच भी नहीं पाया, करने की जोड़ो सोच भी नहीं पाया, ऐसा दिमाग में ला भी नहीं पाया। इधर करने धरने की तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि पहले तो दिमाग में आएगा ना, प्रैक्टिकल में और व्यवहार में तो बाद में आएगा, पहले तो दिमाग में, दिमाग में ही नहीं आया। अवकात होती है तो दिमाग में आता है, अवकात ही नहीं होती तो सारा दिमाग में कहाँ जाता है। तो हमको सवाल पूछना चाहिए कि आखिर ये सारी अवकात आती कहां से, तो संगठित शक्ति से अवकात आता। तो हम बड़ी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने संगठित शक्ति निर्माण करने का काम किया, इस वजह से हमारे दिमाग में बड़ी बातें आती है। तो इसलिए मैं आपको ये मौलिक बात, जो स्टूडेंट यूथ और बेरोजगार लोगों का जो ये अधिवेशन है, ये बात आपको समझना है कि संगठित शक्ति वो जिंदा तत्व है जो बदलाव लाने का काम है। हमारे पास संगठित शक्ति चाहिए, संगठित शक्ति के बल पर उन लोगों ने इस देश में परिवर्तन को रोक के रखा हुआ है। उस रोके हुए शक्ति से टक्कर लेने के लिए संगठित शक्ति चाहिए। हमने वाम से संगठन बनाया है, मुलाजिम लोगों का, कर्मचारी लोगों का, हमारे समाज में एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं, उन लोगों के अंदर जो पढ़े लिखे लोग तैयार हो गए हैं, पढ़े लिखे लोगों को आधार बनाया। ज्योतिराव फुले ने जब संगठन बनाया तो क्राउड को आधार बनाया, बाबा साहब अंबेडकर ने संगठन बनाया तो उन्होंने क्राउड को आधार बनाया, काशीराम जी ने संगठन बनाया तो पढ़े लिखे लोगों को आधार बनाया, बगैर सोचे समझे नहीं होता है। काशीराम जी ने मामसेब बनाया, मामसेब BAMCEF, बी फॉर बैकवर्ड, बैकवर्ड में एससी एसटी ओबीसी, एंड ए फॉर एंड, एम फॉर माइनॉरिटीज, सी फॉर कम्युनिटी, जी फॉर एम्प्लॉयज, एफ फॉर फेडरेशन, एम्प्लॉय लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का संगठन बनाया। क्यों क्यों बनाया, क्योंकि कोई भी संगठित आंदोलन चलाने के लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम चाहिए है, है? ज्योतिराव फुले के पास था, बाबा साहब अंबेडकर के समय में था, उन्होंने कोशिश किया, परिणाम था। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो सार्वत्रिक एजुकेशन हो गया, और काशीराम जी 25 साल के बाद फिर बमसेट बनाने में कामयाब हो गए। 26 जनवरी 1950, 6 दिसंबर 78, 28 साल लगा पढ़े लिखे लोगों को पैदा होने के लिए, कैलकुलेटर बता रहा हूं, ऐसे वही बातें नहीं है। तब जाकर के बांध से बना, पढ़े लिखे लोगों का संगठन बना। तो किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए बुद्धि चाहिए, पैसा चाहिए, हुनर चाहिए, समय चाहिए, श्रम चाहिए, ये 5 साधन चाहिए। ये क्राउड के पास नहीं होता है, और इसलिए क्राउड बहुत बड़े पैमाने पर जो परिवर्तन का काम है वो नहीं कर पाता है। तो इसलिए
पढ़े लिखे लोगों का निर्माण हुआ तो पढ़े लिखे लोगों का संगठन निर्माण किया गया और पढ़े लिखे लोगों के पास ये पांच साधन है, तो ये पांच साधन को संगठित शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए चलाने के लिए बामसेफ संगठन बनाया गया। आज बामसेफ संगठन 32 स्टेट में 567 जिलों में फैला हुआ है। तो इस वजह से बामसेफ जो बेसिक संगठन है, इस संगठन की फैलने की वजह से हम लोगों ने विद्यार्थियों का, युवाओं का, बेरोजगार लोगों का ये राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने का निर्णय। इस आधार पर, ये बेसिक जो आधार है बामसेफ का, उसके आधार पर और उसके आधार पर हम लोगों ने तमाम संगठन आंदोलन करने वाले संगठन, तो आंदोलन बहुत ज्यादा जरूरी है, राजनीति उसके बाद है। सबसे ज्यादा आम आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं, आम आदमी को उसका जो दुश्मन है वो क्लियरली समझना, समझते आना चाहिए, तो वो उसको आंदोलन में समझ में आएगा, क्योंकि आंदोलन में संगठित करके उससे टकराना पड़ेगा, उसको समझ में आएगा अरे इससे लड़ना, तो उसको ट्रेन करना होगा आंदोलन में। आम आदमी को ट्रेन करना होगा आंदोलन में, तो अभी प्राथमिकता पॉलिटिकल पावर नहीं है, आंदोलन है। पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल, पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल, पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल। गांधी ने, नेहरू ने आजादी का आंदोलन ये ब्राह्मणों का चलाया, तो ब्राह्मण प्रधानमंत्री बना 15 अगस्त 1947 मिला ना उसको पावर। अगर हम इसी तरह से 6 लाख गांव का आंदोलन खड़ा करते, 6 लाख गांव का आंदोलन खड़ा करते हैं, तो 6 लाख गांव का आंदोलन खड़ा करने का हमारा प्लान 2030 तक हमारा 6 लाख गांव का आंदोलन खड़ा होना चाहिए, और 6 लाख गांव के लोगों को हमको सड़कों पर उतारते आना चाहिए। 6 लाख गांव के लोगों को अगर हमने सड़कों पर उतारा तो हमारा आंदोलन आंदोलन नहीं रहेगा, जन आंदोलन हो जाएगा, और अगर जन आंदोलन हो जाएगा तो आप लोगों को रिजल्ट में पावर मिलेगा, एमपी बनने से मिलेगा, साला पीएम बनने से नहीं मिला, एमपी क्या पीएम बनने से नहीं मिला। तो हमारे जो एमएलए है, हमारे जो एमपी है, ये तो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, ये तक हमारे लोगों को समझ में नहीं आता, ये जो एमएलए है, एमपी है, ये नॉमिनेटेड है, एंड दोज हु नॉमिनेट, एंड दोज हु नॉमिनेट, जिन्होंने उनको नॉमिनेट किया उनके पास पावर है, जिनको नॉमिनेट किया उसके पास नहीं है, जिन्होंने नॉमिनेट किया उनके पास पावर है। तो जब हमको बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आती तो हम क्या कर लेंगे, बातें बेसिक हमको समझना होगा, तो बुनियादी बातें समझना होगा, तो ना समझने की वजह से हम लोग पिछड़ों को बने रहते हैं, ना समझने की वजह से पिछड़ों को बने रहते हैं। तो प्रेजेंट पार्लियामेंट है उसमें 131 मेंबर पार्लियामेंट, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के हैं, बैकवर्ड क्लासेस की भी है। अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा 29% ओबीसी के लोग हैं, ऐसा पार्लियामेंट में कहा। तो
रूलिंग पार्टी कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी थी, वो जाकर बीजेपी आ गई, बीजेपी भी ब्राह्मणों की। तो एक ब्राह्मण की पार्टी जाती है तो दूसरे ब्राह्मण की पार्टी आती है, दूसरे ब्राह्मण की पार्टी जाती है तो पहले ब्राह्मण की पार्टी आती है। तो इसलिए हम लोगों को ऐसे बदलाव से क्या हो, एक ब्राह्मण की जगह दूसरा ब्राह्मण आ जाए, राजाराम की जगह सीताराम आ जाए, सीताराम की जगह राजाराम आ जाए, सारा फर्क क्या पड़ता है। मगर हमारे लोगों को थोड़ी देर के लगता है बदलाव होगा, बदलाव होगा। हमें क्या मिल रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो राजाराम की जगह सीताराम आ गया, सीताराम की जगह राजाराम आ जाता है, राजाराम आ जाए या सीताराम आ जाए हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो हमें ये जानना और समझना होगा कि हमें जो परिवर्तन चाहिए, इस तरीके से होने वाले परिवर्तन से हमारा लक्ष्य मकसद पूरा होने वाला नहीं है। इसके लिए विद्यार्थियों को, युवाओं को, बेरोजगार लोगों को पहले दिमागी रूप से तैयार होना चाहिए। जो लोग दिमागी रूप से तैयार नहीं होते हैं वो अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे, फैसले करने पड़ते हैं ना, फैसले दूसरों के ऊपर थोड़ी छोड़ा जाता है, फैसले अपने ऊपर लेने पड़ते हैं और वो उसके लिए अपने दिमाग से फैसले लेने पड़ते हैं। तो ये संगठित शक्ति के बल पर होता है। तो इसलिए संगठित शक्ति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो संगठित शक्ति शेड्यूल कास्ट के 1703 जाति के टुकड़े है, 801 आदिवासियों के टुकड़े है, 3743 टुकड़े पिछड़े वर्ग के है, तीनों को मिलाकर 6247 जाति के टुकड़े है। तीनों टुकड़े के तमाम जाति के लोगों को जोड़कर बनाना तो परिवर्तन होगा। ये है तरीका, इस तरीके पर हम लोग काम कर रहे हैं तो इसको समय लगने वाला है। हमारे लोगों के पास समय नहीं है, वो सवेरे आंदोलन शुरू करता है उसको शाम को रिजल्ट है। वो बीज जमीन में बोता है सवेरे तो शाम को जाके देखता है साला ये कोई फल आया नहीं अभी तक, कैसे आएगा, जल्दी चाहिए उसको, बहुत जल्दी चाहिए, बहुत जल्दी बोलता है। उसको पूछो क्यों चाहिए जल्दी, 3000 साल हो गए साले रुका हुआ प्यासा है, जल्दबाजी से तो होगा नहीं, इट विल टेक इट्स ओन टाइम, उसके लिए उतना समय लगेगा और उतना समय देना पड़ेगा और किसी न किसी को देना पड़ेगा। जो जल्दबाजी करने वाले लोग हैं उन्होंने जल्दबाजी किया, क्या करेंगे, हमारे लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, पूरी करना है, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं इतना ही इस मौके पर कहना चाहता हूँ।